कॉलेज में तो आ गया लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, अभी मैं एक ब्लॉग को एंड किया हूँ और दूसरा ब्लॉग शुरू कर दिया। और मैं दूसरा ब्लॉग गाइस सुबह ही सुबह स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं सुबह ही सुबह उठ गया। मुझे पता ही नहीं था कि आज मेरा एग्ज़ाम है। आज सुबह उससे पहले तो मुझे पता था कि मेरा एग्ज़ाम है, लेकिन आज नहीं पता था, तो पता चल गया कि मैडम मेरा एग्ज़ाम है। क्योंकि मैं जब सुबह उठा ना तो एक लड़के को मैसेज आया कि भाई तुम्हारा एग्ज़ाम है आज, मेरा भी है। तो भाई बोला ठीक है, तो मैं बोला हूँ ठीक है, मतलब उसका भी एग्ज़ाम है ना, तो इसलिए। तो अभी चलो नीचे चलते, कुछ खाते पीते हैं। मैं फ्रेश हो चुका हूँ, मेरे बाल देखो कैसे बिगड़ गए हैं क्योंकि मेरा ओरिजिनल वाला है वैक्स ख़त्म हो चुका है ना, तो इसलिए ऐसे हो रहे हैं। तो चलो चलते हैं नीचे, देखते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। वैसे कल से तुम्हारा तबीयत सही नहीं था, हल्का फुल्का, आज भी थोड़ा सा सही है, हल्का फुल्का सही है, बहुत खराबी है। तो अभी एक ही दिन में हुआ है ऐसे, अपने एक दिन का, अभी एक दिन भी नहीं हुआ है, होने में अभी 12-6 घंटे बाकी हैं। तो अभी एक दिन होंगे मेरे, एक दिन नहीं 24 घंटा हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नीचे, पहले देखते हैं आज क्या क्या करना है। वैसे मुझे नहीं पता, मैं तो एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं किया हूँ। देखो क्या क्या लिखना होगा, वैसे बना बना के लिख देंगे जो भी आएगा मन में। तो चलो चलते हैं पहले नीचे। तो हेलो गाइस, अभी के दोपहर के मतलब ठीक 12 बज के, ये तो घड़ी ख़राब है, इसमें तो 9:30 हो रहा है, 12:10 हो रहा है। और मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, आज सोऊंगा नहीं गाइस, नहीं तो एग्ज़ाम छूट जाएगा ना। तो 2 घंटे बाद मुझे निकलना अभी एग्ज़ाम देने के लिए, तो इसलिए सोऊंगा नहीं। तो अभी पहले खाना खा लेते, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ी देर मतलब ऐसा थकान सा महसूस होता है ना सोने वगैरह का, इसलिए 2 घंटे का टाइम लेगा तो आराम से रिलैक्स भी हो जाएंगे। तो मैं खाना यहाँ लेते आया हूँ। कल रात की थोड़ी सी सब्ज़ी मेरी बच गई थी, तो मैं उसे वेस्ट नहीं जाने दिया, इसलिए मैं आज खाऊँगा। तो इसलिए वो ऐसे मैं वो साग की सब्ज़ी खाता नहीं हूँ ना, तो इसलिए। तो चलो जल्द से पहले खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर रेडी होना है। मैं थोड़ा भी तैयारी नहीं किया हूँ गाइस कि मुझे क्या लिखना है एग्ज़ाम में। एक ही क्वेश्चन है बताओ, वो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वैसे ही बना बना के लिखूँगा। तो गाइस अभी के 2 बजने, तो गाइस 1:30 बज रहा है। तो चलो चलते हैं, पहले तैयार वगैरह हो जाते हैं, वैसे तरह तैयार होने में 1/2 घंटा लग जाएगा। तो चलो पहले जल्द से जल्द तैयार होते हैं, क्योंकि अब टाइम हो गया है ना गाइस। तो चलो, तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, कैप वगैरह लगा लिया हूँ, मास्क लगा लिया हूँ। 2 बज रहा है, 2:10, तो अभी नहीं निकलेंगे तो गाइस लेट हो जाएगा, फिर चिंता हो जाती है ना गाइस कि लेट हो गया इस तरह। तो चलो अब चलते हैं, साइकिल को निकालते हैं, क्योंकि साइकिल उसी दिन से रखी हुई है, तो हवा वगैरह मैं देखा नहीं हूँ, कम तो होगा ही होगा, क्योंकि मेरी साइकिल में हवा कम ना हो ऐसा हो सकता है, तो कम तो होगा ही होगा। तो चलो चलते हैं, मैं सब कुछ ले लिया हूँ, आज 2 फ़ोन लेके जा रहा हूँ, क्योंकि गई सब मैं सिम भर भर मैं निकालूंगा, फिर लगाऊंगा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं दोनों फ़ोन बैग में ही रहेगा। सोचो मेरा बैग कितना कीमती होगा, 50 समझ लो गाइस, 55,000 रुपये का मेरा बैग 55,000 रुपये का गाइस, सोचो। तो चलो चलते हैं साइकिल लेके। गाइस आज मेरा एग्ज़ाम लेट हो ही गया, गाइस इतना ज़्यादा लेट हो गया ना, पहली बार मेरा इतना ज़्यादा लेट हुआ होगा एग्ज़ाम, लग रहा है कि मतलब इतना तेज तेज आया हूँ गाइस, ऑटो तो मिली नहीं, बस से ही मिला है, बस से ही आना पड़ा है। हाँ, दिल की धड़कन इतनी तेज़ होती जा रही है गाइस कि क्या ही बताएं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। बस कॉलेज तक पहुँच ही गए हैं, बस थोड़ा दूर और है, जल्दी जल्दी चलना है। 2 से 3 मिनट हमको लग रहा है पेन वगैरह निकालने में लग जाएगा, और तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा मेरा। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं गाइस कॉलेज से, कॉलेज में तो आ गया लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो गाइस एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, जिस टाइम पे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उस टाइम पे मैं गाइस पहुंचा था, मतलब गाइस मैं 10 मिनट लेट पहुंचा था आज एग्ज़ाम देने, फर्स्ट टाइम गाइस मैंने 10 मिनट लेट पहुंचा हूँ। मुझे लगा गाइस आज मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन
आज लेट हो गया, मुझे थोड़ा सा इतनी हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, चलो सीधा घर चलते हैं। जब तक 4 बजे का तब तक तो हम लोग मेन रोड पे पहुंच जाएंगे, ऑटो वगैरह लेंगे, तो चलो चलते हैं। तो गाइस मैं जब आ रहा था कॉलेज के लिए, तब डाला बंद था, इतनी सारी ट्रैफिक थी यहाँ पे, इतना सारी गाड़ी घोड़ा मतलब सिर्फ गाड़ी थी, घोड़ा नहीं था, तो वही समझ लो, जिसका घोड़ा उसका घोड़ा समझ लो जो भी है। तो अभी मतलब खुला था तो अच्छी बात है, जल्दी मैं पहुँच जाऊँगा। और देखो सूर्यास्त आज तो लेट ही हो गया था आज तो किसी तरह। मैंने मतलब डर तो इतना लग रहा था गाइस कि मैं क्या करूँ। अभी मैं गौरी बाजार मतलब पेपर दे के आ चुका हूँ एग्जाम देके, तो अब गौरी बाजार पहुँच चुके हैं। अब मैं साइकिल लेता हूँ और यहाँ से साइकिल से चलते हैं सीधा घर। तो घर पे मैं बताऊँगा मेरे साथ क्या क्या हुआ था, तो मेरा साइकिल कहाँ पे है वो रहा। तो चलो साइकिल लेते हैं फिर चलते हैं गाइस। ये रहा मेरा साइकिल, जलवा है मेरा गाइस, लॉक खुल जा भाई। सोच नहीं, पहले हवा भरवाते हैं गाइस, हवा, इसमें हवा बिल्कुल नहीं था। अरे खुल जाओ, तो फाइनली गाइस मैं घर आ चुका हूँ। आज मुझसे इसलिए लेट हो गया होता ना गाइस, मुझे लगा मतलब मुझे पता था 3 बजे से एग्ज़ाम है, तो 2:17 पे यहीं पर गया था, तो भी मैं लेट कर रहा था। सोचा कि अभी नहीं, मुझे लगा ना कि अभी दो, मतलब मुझे याद नहीं आया कि 2:17 हो रहा है, लेकिन पता था 2:17 हो रहा है, मैं एक तरफ से भूल गया था ना। तो फिर जल्दी जब मैं गौरी बाजार पहुँचा तब मुझे याद आया कि भाई 2:17 पे मैं घर से निकला था, तो 2:30 तो यहीं पे हो गया होगा। तो देखा हाँ 2:30 तो हो ही चुका था। फिर मैं गया ऑटो ढूंढने, ऑटो मिला नहीं, तो फिर मैं सोचने लगा मैं क्या करूँ, बस वाले से मैं बोलूँ चलने आएँ कि नहीं, क्योंकि एक बार कोई इंसान मना कर देता है ना गाइस तो मैं दोबारा पूछता नहीं हूँ, तो उस दिन मना किया था, तो मैं सोचा कि शायद इस दिन भी मना कर दे, तो देखें नहीं मना किया तो लेके गया, 15 रुपये लिया, बल्कि ऑटो 20 रुपये लेता है तो 15 रुपये लिया, तो चलो अच्छी बात है, उसमें से 5 रुपये बच गए थे और 10 रुपये और बच गए थे, तो मेरे पास भी थे, तो मोमो खा लिया वहीं पे, लेकिन बहुत बेकार था गाइस, मोमो बहुत ही बेकार था। मुझे लगा ना कि चलो अच्छा होगा, नया नया है यहाँ पे तो आज यहीं से खा लेते हैं, तो बहुत बेकार था। मैं किसी तरह खा लिया, वही बहुत है, और मैं ब्लॉक कर रहा हूँ किसी तरह, वो भी बहुत है, क्योंकि हाथ बहुत दर्द कर रहा है गाइस। अगर मैं ऐसे कई देर मतलब मिनट तक अगर ऐसे हाथ से करूँ ना गाइस, तो मेरा हाथ टूट के नीचे गिर जाएगा, फिर उठाना पड़ेगा, फिर फेविक्विक से ज्वाइंट करना पड़ेगा ऐसा। चलो जस्ट किडिंग है, जस्ट किडिंग। तो अभी चलो वैसे हाथ तो चुका हूँ, बाल वगैरह में मतलब हेयर वैक्स लगाया हूँ, देखो थोड़ा बहुत अभी टाइट वगैरह होगा, तब तक मेरा फ़ोन भी चार्ज हो रहा है, मैं 2 फ़ोन यूज़ करता हूँ मैं, तो एक चार्ज हो रहा है, जब चार्ज हो जाएगा तो उसे यूज़ करेंगे, तो इसे चार्ज लगा देंगे, तो यही चलता है मेरी ज़िंदगी में। तो अभी चलो नीचे चलते हैं, मैं बस ये बताने के लिए मैं ऊपर आया था, क्योंकि नीचे लाइट वगैरह की दिक्कत है ना, तो इसलिए मैं नीचे ने ब्लॉक किया। तो अब मुझे बहुत ही ज़्यादा राहत है, खांसी वगैरह में लग रहा है, किसी कोई खास रहा था उसकी वजह से मुझे खांसी हो रही थी, तो अब चलो चलते हैं नीचे।